अगर आप अपनी वाली या अपने वाले के साथ आते हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेस है। वाह, क्या व्यू है, ये देखिए। देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये वाटरफॉल है। नीचे काफ़ी बड़ा खाई है और नीचे नदी है, खाई है और नदी है, उसके बाद इधर ये वाटरफॉल है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और इधर केव बना हुआ है, नीचे भी केव बना हुआ है, लोग देख सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत है, पत्थरों का कटान हो गया है बारिश की वजह से, पत्थर और ये पानी गिरने की वजह से पत्थर कटता गया और सीढ़ीदार होता गया है, और उसके बाद ये सीढ़ी बन के एक तरह का एक सीढ़ी बन गया है नीचे जाने के लिए। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। काफ़ी प्यारा व्यू था, आप लोग को शॉट कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड जोन है, वरना मना है ड्रोन, फिर भी आप लोगों ने चुपके चोरी उड़ा लिया। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोग को शॉट। बाकी हम लोग चल रहे हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, दूसरे स्पॉट पर, देख सकते हैं यहाँ पे इसकी खूबसूरती। चल रहे हैं ऊपर, इधर से, इधर से, हाँ चलिए। बंद था ताला, ताला बंद था, बंद था, बंद है, बंद है। आई आई इधर से जाने के लिए सोचे, लेकिन उधर से रास्ता बंद है। ऊपर नीचे चढ़ने में थोड़ा सा थकान तो होती है, लेकिन इन प्रकृति की जो खूबसूरती है, जो नेचर का ब्यूटी है, इसे देखने के बाद सारा थकान दूर हो जाता है। छुप गया है जाते ही, छोटू देख रहा था खड़ा होके, जैसे ही पास गया छुप गया। इधर कौन है ये, रहा है। ओ, ये कौन है जो सो रहे हैं, ये डक है, डक डक नहीं, डस्टबिन, डक डस्टबिन। इधर क्या है, बंद है। देवदरी मार्ग बंद था, आगे से भी है, आगे से रास्ता है चौधरी का, उसको ट्राई करते हैं, अगर वो मिल जाता है तो चलेंगे हम लोग। ये वाला रास्ता बंद था, हम लोग आगे जा रहे हैं, दूसरे रास्ते को ट्राई करेंगे, अगर मिलेगा तो हम लोग जाएंगे उधर से देवदरी में। बाकी यहाँ का व्यू कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, और इनसे मिलिए एक बार आप लोग। पहचान रहे हैं इनको, आप कमेंट में बताइएगा कि उन्होंने मुंह क्यों खोला हुआ था। अगर आप समझ गए तो उनका पेट भरिएगा जब भी आप आइएगा, क्योंकि उनका पेट भरता है आपके फेंके हुए कूड़े से, कचड़े से। हम लोग बाइक से देवदरी जाएंगे, क्योंकि अंदर से रास्ता बंद था, बाहर आए हैं तो गार्ड जो थे उन्होंने बताया कि बाइक से जाइए, 1 किलोमीटर का रास्ता है।
तो बाइक से जाना पड़ेगा हम लोग को। यहीं पे पार्किंग करके उस गेट से आप अंदर जाते हैं और उधर जाते हैं 200 मीटर होगा, अंदर जाते हैं 200 मीटर तो वहाँ पे वाटरफॉल है जो कि काफ़ी प्यारा है। और यहाँ पे सुकून है, शांति है, पॉल्यूशन भी नहीं है, शांति है। क्योंकि हम लोग जब बनारस में थे इतना ज़्यादा धूल मिट्टी, मेरा पूरा बाल वगैरह हर जगह धूल घुस गया था, पूरा चेहरा ख़राब हो गया था। फिर भी मैं वैसे ही घूम रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ, घर पे तो हूँ नहीं कि नहा के फ्रेश होऊंगा। लेकिन यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, नेचर की खूबसूरती है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ। अंदर से रास्ता बंद था और शायद जंगली जानवरों की वजह से जो भी डिसीजन हुआ हो, क्योंकि उधर बहुत सुनसान रहता है, थोड़ा शॉर्ट रास्ता पड़ता है लेकिन सुनसान बहुत ज़्यादा रहता है। अब ये रास्ता जो हम लोग का फ्रेश है, कभी भी अचानक थोड़ा बहुत बारिश महसूस हो रही है, क्योंकि रास्ते में 2-3 बार ऐसा हो गया कि झीसी टाइप का, मतलब हल्का हल्का झिमझिम अभी भी पानी पड़ रहा है, हल्का हल्का रिमझिम टाइप का बारिश होने लग रहा है। पानी जो है ना, जो ठंडे के जो फुहारे होते हैं ना, वैसे लग रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुहाना सफ़र है, सुहाना मौसम भी है। तो मैं यही बता रहा था कि आपको कभी भी हल्का फुल्का बारिश मिल सकती है, इतना भी ज़्यादा नहीं कि आप भीगेंगे, लेकिन इतना कि मेरा चश्मा ब्लर हो जाएगा। काफी खूबसूरत नज़ारा है, एक बार आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ का। कैसा है आगे का व्यू? आगे का व्यू अच्छा, बहुत गहरा है, बहुत खाई जैसे ही है और बहुत अच्छा है और अंदर और तक बहुत अच्छा लग रहा है। बाइक खड़े कर दिए हम लोग, बाइक खड़ा करके हम लोग आगे आए। आगे आने के बाद कुछ ऐसा व्यू है यहाँ, छोटा सा उधर है, दिख नहीं रहा है, शायद दूसरे स्पॉट से जाने पे दिखाई देगा, दिखेगा ऊपर से दिखेगा। दूसरे स्पॉट से हम लोग जाएंगे तो ऊपर जाने पर दिखेगा, शायद उसी लिए बना भी है। वहीं पे चला जाए क्या? वहीं से चला जाए और देखा जाए। बाकी ऐसा कुछ है यहाँ पे, इधर से सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ आने के बाद यहाँ पे बारिश की वजह से कट गया हमें लग रहा है, नहीं तो इधर भी सीढ़ी तो बना ही होगा, लेकिन पत्थर कट गया शायद इधर, कुछ थोड़ा सा डेंजरस जोन है। बाकी आप देख सकते हैं दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में वाटरफॉल, और इधर एक छोटा सा है वो गिर रहा है पानी, बस और कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लोकेशन है और स्पेशली अगर आप अपनी वाली या अपने वाले के साथ आते हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेस है। वाह, क्या व्यू है ये देखिए।